सवाल नंबर एक, खाना काबा की तामीर किस नबी ने की? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर दो, अबूल अंबिया किस नबी को कहा जाता है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर तीन, वफ़ात के वक्त हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी? 75 साल, 120 साल, 137 साल। सवाल नंबर चार, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 5, 10, 12। सवाल नंबर पाँच, जमजम को असर नौ किसने जारी किया? हाशिम ने, अब्दुल मुतलिब ने, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने। सवाल नंबर छः, कुर्बानी के लिए अब्दुल मुतलिब के कौन से बेटे का नाम निकला? अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल नंबर सात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम रबीउल अव्वल की कौन सी तारीख को पैदा हुए? यकम को, 7 को, 12 को। सवाल नंबर आठ, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत किस वक्त हुई? सुबह सादिक के वक्त, दोपहर के वक्त, शाम के वक्त। सवाल नंबर नौ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हफ्ते के किस रोज़ पैदा हुए? जुमेरात, हफ्ता, सोमवार। सवाल नंबर दस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत कौन से इस्लामी महीने में हुई? मुहर्रम में, रबीउल अव्वल में, ज़िलहज में। कमेंट में बताएं आपको इनमें से कितने सवालात के जवाबात पहले से मालूम थे।